आज दिनांक 24 मार्च 2021 को मुरादाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट एंड हेल्थ रिसर्च सेंटर के द्वारा एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांट रोड मुरादाबाद के ऑडिटोरियम में एक प्रेस मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग को एमसीटी एंड एचआरसी के सचिव नीरज खन्ना ने संबोधित किया। नीरज खन्ना ने अपने संबोधन में बताया कि हॉस्पिटल एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा जितनी सेवा करना चाहो कर सकते हैं। मुरादाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट एंड हेल्थ रिसर्च सेंटर मुरादाबाद शहर के एक्सपोर्टर्स द्वारा 1982 में रजिस्टर्ड हुआ था, जिसके फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर मनचंदा व चेयरमैन लेट श्री ओपी वडेरा थे। एमसीटी एंड एचआरसी के फाउंडर सेक्रेटरी लेट श्री आरपी खोसला थे। उसके बाद लेट श्री कृष्णन लाल कत्याल बने। तत्पश्चात लेट श्री विनोद खन्ना एमसीटी एंड एचआरसी के सेक्रेटरी बने। सभी का उद्देश्य एक ही रहा कि समाज हित में कार्य करना है और जिन लोगों के पास पैसे की कमी है उन सभी जरूरतमंदों तक मेडिकल फैसिलिटी पहुंचे। उन्होंने आगे कहा कि आज हम सब यहां इसलिए एकत्रित हुए हैं कि आगे आप सभी सामाजिक लोगों की सहायता और सहयोग से हमें इस हॉस्पिटल को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाना है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में 58 लाख रुपए और वर्ष 2020-21 में फरवरी माह तक 50 लाख रुपए की चैरिटी सेवाएं की गई हैं। इसके अलावा 95 आईज एंड जनरल हेल्थ चेकअप कैंप, 10 कैंप्स ऑफ आर्टिफिशियल लिंब भी आयोजित किए गए तथा 10 से 15 लोगों को प्रतिदिन डायलिसिस की सुविधा भी प्रदान की जाती है। ट्रस्ट के सचिव ईपीसीएच के सीओए मेंबर तथा वरिष्ठ निर्यातक एवं सुप्रसिद्ध समाज सेवी नीरज खन्ना ने बताया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है उसका जो मकसद है वो ये है कि आने वाले टाइम में हम हॉस्पिटल को ट्रस्ट के माध्यम से कैसे और बेहतर बनाएं। बेहतर बनाने के लिए हम आज यहाँ पर हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। उसको बेहतर करने के लिए पहला जो हमारा लक्ष्य है कि हम नए से नया इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ लेकर के आए और अपने जो आर्टिजन्स भाई हैं, वर्कर्स हैं या हमारे जो पेशेंट जो हॉस्पिटल्स में आते हैं उन लोगों को किस तरह की सुविधाएं दें कि वो यहाँ से जो है कुछ प्लान होकर वापस जाएं और सस्ता इलाज हो, कम से कम पैसा जो है उनका खर्च हो। और जो हॉस्पिटल मुरादाबाद में चल रहे हैं उनमें, उन हॉस्पिटल्स में और विवेकानंद में जो है लोगों को फ़र्क महसूस होना चाहिए। अभी नजम भाई ने ये डिमांड की है कि आर्टिजन्स को जो छूट दी जाती है 30-40% तक वो 50% कर दी जाए, तो इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे ट्रस्ट के सचिव के रूप में? हम जो है 45% तक की छूट अभी भी दे रहे हैं आर्टिजन्स को और आने वाले टाइम में जो आर्टिजन्स माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम जो हम लोग शुरू कर रहे हैं तो उसमें हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि आर्टिजन को 0% पैसा देना पड़ेगा। जो पैसा जो है बीमा कंपनी देगी, कुछ ट्रस्ट देगा और कुछ जो है हॉस्पिटल देगा। मोहल्ला क्लिनिक की बात रखी गई थी, क्या खोले जाएंगे और कितने खोले जाएंगे? मोहल्ला क्लिनिक जो है वो जो है आपका मोबाइल होगी, मोबाइल वैन होगी जिसमें जो है स्लम एरिया में इस तरह की वैन जहाँ पर ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल नहीं पहुँच सकते उन लोगों का इलाज उस वैन के माध्यम से करा जाएगा। स्वर्गीय विनोद खन्ना जी की स्मृति में कोई स्वास्थ्य योजना शुरू करने का भी इरादा है क्या? मोहल्ला क्लिनिक वाला जो योजना कॉन्सेप्ट है जो कॉन्सेप्ट है वो स्वर्गीय श्री विनोद कुमार खन्ना जी, एल आर तलवार साहब, श्री कृष्णलाल कत्याल जी के नाम से ही संचालित होगी। मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के संरक्षक, कानूनी सलाहकार तथा सिविल डिफेंस के डिप्टी चीफ वार्डन हाजी नजमुल इस्लाम एडवोकेट ने इस अवसर पर आर्टिजन्स तथा आम आदमी के हित में मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था सहित अनेक मांगे रखते हुए कहा, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सभी ने एक संकल्प लेकर चलना है कि हमें आगे स्वर्गीय श्री विनोद खन्ना जी को जो उनके सपने थे जो अधूरे रह गए हैं, कि जो आने वाले सपने थे उनको हमें पूरा करना है। श्री नीरज खन्ना जी ने काफी अच्छे अपने मिशन बताए हैं, मैं उनके लिए पूर्ण रूप से सहयोग, मेरे महाशिव महोदय कमल सोनी जी और हमारे जो यहाँ के बंधु हैं और शहर के जो आर्टिजन्स हैं, क्योंकि मुरादाबाद एक पीतल लकड़ी के नाम से जाना जाता है, आपको पता होगा कि आर्टिजन्स की कितनी उम्र होती है। जैसे पॉलिश वाला है उसकी उम्र 50 साल से ज़्यादा नहीं होगी, और पॉलिश ही हमारे आर्टिजन्स का सबसे बड़ा कार्य है जो हमारे एक्सपोर्ट के अंदर होता है। ढलाई है, दूसरी बात ढलाई है, ढलाई में उसके फेफड़े खराब हो जाते हैं,
पॉल्यूशन की वजह से सभी हमारे आर्टिजंस हैं उसको समय से इलाज नहीं मिल पा रहा है। मंच पर एशियन विवेकानंद अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर भारवी चट्टोपाध्याय, एमसीटी एंड एचआरसी के चेयरमैन एसपी खोसला, ईपीसीएच के वाइस चेयरमैन कमल सोनी, यस के सचिव रोहित ढल, यस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी तथा एमएचईए के महासचिव अवधेश अग्रवाल, खत्री सभा के संरक्षक योगेंद्र खत्री भी आसीन रहे। कार्यक्रम में एमसीटी एंड एचआरसी के उपाध्यक्ष सुभाष ढल, सुदेशवर सरन, सुनील आनंद, मुकुल मनचंदा सहित मुरादाबाद शहर की विभिन्न संस्थाओं जैसे ईपीसीएच के असिस्टेंट डायरेक्टर नवीन गौड़, मुरादाबाद वेस्ट इंडस्ट्रीज चैम्बर के चेयरमैन सुरेश चंद्र कौशिक, सचिव नितिन अग्रवाल, व्यापार मंडल से नीरज मित्तल, आर्ट ऑफ लिविंग से श्रीमती ऋतु नारंग, दिबार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के अध्यक्ष आदेश श्रीवास्तव, महासचिव राकेश वशिष्ठ, मुरादाबाद ड्रीम फाउंडेशन से अध्यक्ष शिवेंद्र जैन, सचिव तरुण मदान, सर्व कल्याण मोक्षधाम ट्रस्ट के अध्यक्ष केसी शर्मा, सचिव राजेश मेंदीरत्ता, सीए एसोसिएशन से मनी गुप्ता, अध्यक्ष अमित अग्रवाल, सचिव हिमांशु मेहरा, आईआईए से मनप्रीत सिंह बेदी, अध्यक्ष रवि कटारिया, सचिव संजय गुप्ता, सुरेश गुप्ता, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन से विकास अग्रवाल अध्यक्ष, विकास अरोड़ा सचिव, बीएए से सुमित छाबड़ा वाइस चेयरमैन, श्रीमती तान्या भाटिया संयुक्त सचिव, आर्किटेक्ट एसोसिएशन से विनायक खन्ना अध्यक्ष, अक्षत गर्ग सचिव, आर्टिजंस एसोसिएशन से डॉक्टर सैयद गानिम मियां, नुमान मंसूरी, आजम अंसारी, काना गोसेवा मंडल से रोहिता सपड़ा, अशोक सिक्का, निर्यातक नदीम अहमद खां, रोटेरियन मुकेश त्यागी, प्रदीप रस्तोगी, पंजाबी सभा से अध्यक्ष कुलदीप चावला, सचिव विजय मदान आदि लोग भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन एजुकेशन डायरेक्टर विवेकानंद नर्सिंग कॉलेज डॉक्टर हरजीत सिंह ने किया। वोट ऑफ थैंक्स राहुल कत्याल द्वारा दिया गया।